आप सब लोग, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम थ्रेड चिकन बनाएंगे, बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़े के, बड़े यमी बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। देखिए, मैंने हाफ के जी बोनलेस चिकन लिया है, इसको स्ट्रिप में काट लिया है। 1 टीस्पून इसमें पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1 टेबल स्पून इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड किया है, 1/2 टीस्पून इसमें जिंजर पाउडर, 1/2 टीस्पून इसके अंदर गार्लिक पाउडर ऐड किया है, गरम मसाला 1/2 टीस्पून किया है, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून की है ऐड इसके अंदर, और सोया सॉस 1 टेबल स्पून और हॉट सॉस मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है। देखिए, थोड़ा सा हम फूड कलर डाल रहे हैं इसके अंदर, बिल्कुल एक पिंच के बराबर, और एक अंडा हम इसमें ऐड करेंगे, और ये मैंने 1/2 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। आप चाहें तो पेस्ट आपके पास हो तो ऐड कर लें, मेरे पास पाउडर था तो वो मैंने ऐड किया। इसको हम अच्छे से मिक्स करके और तकरीबन 35 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने रख देंगे इसको, ताकि इसके सारे स्पाइसेस जो हैं चिकन के अंदर अच्छे से जज्ब हो जाएं। देखिए, मैंने 2-2 इंच के स्ट्रिप्स काटे हैं चिकन के। इसके अंदर हमारा रमज़ान स्पेशल चल रहा है, तो ये हम उस हिसाब से सारी डिशेज़ बना रहे हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ये देखिए, मैंने समोसे की पट्टियाँ ली हैं और इसको हम बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे धागे की तरह, क्योंकि थ्रेड चिकन रेसिपी हमारा, और जितनी ज़्यादा आप बारीक और फाइन काटेंगे उतने ही अच्छे आपके रेसिपी बनेगी। बहुत बारीक बारीक इसको काटिएगा, कुछ रह जाएगा तो हम उसको बाद में भी काट लें, लेकिन इसको कोशिश करें जितने ज़्यादा से ज़्यादा फाइन काटेंगे उतना ही अच्छी आपकी रेसिपी बनेगी। मोटे मोटे इसमें स्ट्रिप्स कटेंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आता। इस तरह से आप बारीक बारीक काट लें इसको। बहुत इजी, बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, देखने में इतनी खूबसूरत लगती है और खाने में उतनी ही मज़ेदार है। इसको आप मैरिनेट करके रख लें, सारी चीज़ें रेडी करके रख लें, और उसके बाद जब आपका टाइम हो उस वक्त आप फ्राई करें और सर्व कर दें। बहुत मज़े की बनती हैं। जो उसमें थोड़ा बहुत रह जाए उसको आप अलग कर दें, मोटा पीस रह जाए इसको आप इस तरह से काट लें बारीक बारीक। बिल्कुल में सिर्फ यही प्रॉब्लम होती है, रोज़ाना क्या पकाएं, नई नई वैरायटी होती है तो खाने में भी मज़ा आता है, वरना तो फिर ये है कि एक ही चीज़ें खा खा के दिल भी भर जाता है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को जिसने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप चाहें तो उसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो एटलीस्ट 3-4 मिनट वॉच किया करें, फिर सब्सक्राइब किया करें। ये देखें कितने मैंने फाइन से काटे हुए हैं ये, और अगर इसमें कोई मोटा पीस रह जाएगा तो उसको हम अलग कर देंगे, हाथ से निकाल के उसको अलग कर दें। ये देखें, अब हम इसको थोड़ा सा और क्रिस्प देंगे। इसके अंदर हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड कर रहे हैं ताकि ये मज़ीद क्रिस्पी हो जाए। बहुत क्रिस्पी से बड़े मज़े के बनेंगे। इसका ऊपर का क्रिस्पी इतने मज़े का होता है कि बच्चे ऐसे ही उसको निकाल निकाल के खा लेते हैं, बहुत मज़े का बनता है। और फिर चिकन तो वैसे ही बच्चे खाते हैं शौक से। ये देखिए, थोड़ा सा अगर कोई इस तरह रह जाए तो आप हाथ से उसको इस तरह से कर लें। ये देखिए, हमारे थ्रेड्स हमारे तैयार हो गए। अब इसके अंदर मैं 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। पहले मैंने इसलिए ऐड नहीं किया था, वरना पानी छोड़ देता है। हमारी चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गई है, अब इस वक्त हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। आप चाहें तो मैदा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इतनी झटपट सी तैयार हो जाती है रेसिपी, इतनी मजे की, इतनी अट्रैक्टिव लगती है। इसको आप रखें, देखिए इस तरह से अच्छे से आप इसको मसाले में कोट करके और ऐसे आप रखेंगे। आप देख रहे हैं कितना मैंने 2-2 इंच के इस तरह से पीस, इसको बहुत अच्छे से रख के और इस तरह से प्रेस करें ताकि जितना भी इसके अंदर चिपकना है चिपक जाएंगे थ्रेड्स उसके, और जो एक्सेस होंगे वो हट जाएंगे।
पहली दफा में अच्छे से चिपक जाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से इस तरह से प्रेस करें और फिर आप उसको इस तरह से उठाएंगे। देखिए सारे इसके अंदर जो लगने हैं वो लग गए हैं। बाकी ये है कि इस तरह से अब हम इसको प्लेट में रख देंगे। देखिए मैंने बना के आधे घंटे के लिए मैंने उसको फ्रिज में रख दिए थे और अब हमने ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल एक दफ़ा में गरम करेंगे, उसके बाद मैंने फ्लेम जो है लो कर दिए। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं तलेंगे वरना चिकन अंदर से कच्ची रह जाएगी और ऊपर के जो उसके थ्रेड्स हैं वो कलर उनका ज़्यादा हो जाएगा, जल जाएंगे, फिर वो देखने में भी खूबसूरत नहीं लगते और खाने में भी टेस्ट अच्छा नहीं होगा। एक साइड पे उसको सिकने दें, उसके बाद आप चेंज करें, बार बार उसको ना करें। देखें सिक गए इतने, ये देखें कितने ज़बरदस्त से इसके लुक आया है, कितना खूबसूरत सा इसका टेक्सचर बन गया। देखिए हमारे चिकन थ्रेड क्रिस्पी चिकन थ्रेड तैयार हैं हमारे। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगे हैं। आपके कमेंट मिलते हैं मुझे, बहुत अच्छा लगता है आपकी फीडबैक देख के, पढ़कर आपके कमेंट, बहुत आपके प्यार मिलता है मुझे। बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, टिकटॉक को भी फॉलो करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।